नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। जदयू और आरजेडी के बीच में सुधाकर सिंह का पेच इस कदर फंसा हुआ है कि महागठबंधन के स्वास्थ्य पर भी असर होने की बात कही जा रही है। राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं जोर पकड़ चुकी है कि कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह का पेच आरजेडी और जदयू के बीच में वो मिलन नहीं होने दे रहा है जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि 2023 में आरजेडी और जेडीयू का विलय हो जाएगा। इसको लेकर के राजनीतिक विश्लेषक तरह तरह की बातें कर रहे हैं और सुधाकर सिंह लगातार हमले पर हमले बोल रहे हैं। लगातार वो नीतीश सरकार को टारगेट भी कर रहे हैं और उसका जवाब जदयू के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा भी दे रहे हैं। यहां तक कि सुधाकर सिंह के बयानों से आरजेडी के वरिष्ठ नेता वो भी असहज महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद ये बातें कह चुके हैं, हालांकि उन्होंने सुधाकर सिंह का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये बातें कही हैं कि अगर इस तरीके की बातें होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों को वो समर्थन करते हैं। ऐसे में सुधाकर सिंह लगातार हमले बोल रहे हैं। आखिर लगातार हमले क्यों बोल रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल उठ रहा है। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी और वो क्यों इतने मुखर होकर नीतीश सरकार को टारगेट कर रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जो बातें कही है अगर उसको पूरे गौर से सुना जाए और देखा जाए तो ये लगता है उनके मंतव्य के हिसाब से, यानी कि सुधाकर सिंह कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें हमारी पार्टी का पूरा सपोर्ट है, यानी कि आरजेडी का पूरा सपोर्ट है। अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सुधाकर सिंह ने वो सारी बातें बताई है कि क्यों आखिर वो इतने मुखर होकर नीतीश सरकार का विरोध कर रहे हैं। वो कब चुप होंगे, क्या जगदानंद सिंह उनको रोकते टोकते नहीं है, क्या पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी, ये तमाम जो सवाल राजनीतिक गलियारे में जो आपको चर्चा का विषय बना हुआ है उसको लेकर के इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कई बातों का खुलासा किया है और ये जो सवाल दर सवाल है उसकी कुछ कॉपीज हमारे हाथों में आप देख सकते हैं। इसमें पहला सवाल अगर कहा जाए, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको आपकी पार्टी का समर्थन है जो कर रहे हैं ये सब, तो वो लिखते हैं यानी कि वो कह रहे हैं कि 100% समर्थन है। इसका सिर्फ एक नमूना क्या है, वो एग्जांपल भी दे रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि मेरा इस्तीफा पिछले 2 अक्टूबर को हुआ, हमारी पार्टी के 6 अक्टूबर के आर्थिक प्रस्ताव को आप देख लीजिए, उसमें वही बातें हैं जिसे अंजाम दिलाने में मैं लगा हूं। तो अगला सवाल इंटरव्यूअर करता है कि इस दिन यह भी तय हुआ था कि महागठबंधन को लेकर सिर्फ लालू प्रसाद और तेजस्वी ही बोलेंगे, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? तो वो जवाब दे रहे हैं कि मैंने कहा ना कि मैं अपना कहां कुछ नया बोल रहा हूं, मैंने कोई नीतिगत बात कही क्या, मैं तो पार्टी की बातों को उसके मसलों को ही दोहरा रहा हूं। ये सुधाकर सिंह ने जवाब दिया। अगला सवाल इंटरव्यूअर ने उनके पाले में डाला कि फिर तेजस्वी यादव ने आपको लेकर ऐसी बातें क्यों कही कि आपके बातों को मॉनिटरिंग की जा रही है, लालू प्रसाद को अवगत कराया जा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया है, यानी तेजस्वी यादव ने मेरा नाम नहीं लिया है, उनकी बातें व्यापक संदर्भ में सबके लिए है, नीतिगत रूप से राजद की तरफ से कोई नई बात कहने का अधिकार सिर्फ लालू जी और तेजस्वी जी को है। तो इंटरव्यूअर अगला सवाल उनसे कर रहा है, यानी कि सुधाकर सिंह से कर रहा है कि आप ही की पार्टी के कृषि मंत्री ने आप ही की कई बातों को खारिज कर दिया है, यानी वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं उनको लेकर के। तो उन्होंने कहा कि पार्टी बड़ा है कि व्यक्ति, पद मिठाई है, हर कोई इसका पूरा मजा लेता है। अगला सवाल कर रहा है इंटरव्यूअर कि आप अक्सर सत्ता हस्तांतरण की बात करते हैं, जदयू के साथ राजद का ऐसा कोई करार हुआ था क्या, जो डील की बात कही जा रही है जिसको लेकर के बहुत सारे कह सकते हैं कि अफवाहें राजनीतिक गलियारे में उड़ी हुई है, तो उसको लेकर के ये क्या कह रहे हैं कि राजनीति में स्टाम्प पर लिखकर कुछ होता है क्या, खुले में आई 4 महीने वाली बात आखिर क्या थी। यानी कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह ये बातें कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में ऐसे कुछ समझौते हुए थे जो बातें निकल करके आ रही थी। अगला सवाल आ रहा है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आपके पिता हैं, वो आपको रोकते टोकते नहीं है क्या? तो सुधाकर सिंह जवाब देते हैं कि उन्होंने मुद्दों को लेकर कभी नहीं रोका है, हां तरीकों पर सहमति असहमति रही है। तो इंटरव्यूअर अगला सवाल सुधाकर सिंह से पूछ रहा है कि शिवानंद कहते हैं कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा आप पर लगातार हमले बोल रहे हैं,
तो इसके जवाब में सुधाकर सिंह ने कहा कि शिवानंद तिवारी के बारे में कौन नहीं जानता है, उन्होंने हमारे पार्टी के नेता यानी लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाने के लिए काम किया था। और उपेंद्र कुशवाहा जी का पाला बदल किसी से छुपा है क्या? उनकी बातों को नोटिस नहीं लेता हूं। तो अगला सवाल इंटरव्यूअर करता है कि अगर राजद कार्रवाई करता है तो यानी कि तब क्या करेंगे आप? तो उनका जवाब होता है कि मेरा कसूर क्या है, जो कार्रवाई होगी, अगर मान लीजिए कि कार्रवाई हो ही गई तो क्या करेंगे आप? तो सुधाकर सिंह जवाब देते हैं, किसानों के लिए खुलकर काम करूंगा। तो एक और सवाल उन पर पूछा जाता है कि आप भाजपा में लौटने की तैयारी में है, ऐसी बातें आ रही है। तो जवाब देते हैं कि भाजपा में जाना होता तो उसके फायदे के मुद्दे को उठाता, आगे बढ़ाता। ये इंटरव्यू के कुछ अंश थे जो मैं आपको बता रहा था कि तमाम जो ये सवाल राजनीतिक गलियारे में जो आपको उछल रहे हैं या फिर मतलब कि तैर रहे हैं, उसका जवाब इन्होंने इंटरव्यू में दिया है। तो इससे ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह, ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, उनका मंतव्य है कि ये इसमें सुधाकर सिंह के बयानों में आरजेडी की हामी है, यानी आरजेडी के इशारे पर ही सुधाकर सिंह तमाम ये चीजें लगातार नीतीश सरकार को टारगेट कर रहे हैं। खैर, ये तो राजनीतिक विश्लेषक थे और इन इंटरव्यू के आधार पर वो कयास लगा रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर पार्टी क्या कुछ स्टैंड लेती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है, या फिर इसी तरीके का राजनीतिक रगड़ा जारी रहता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना न भूलिए। धन्यवाद।